हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में जो हमारा सिक्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चल रहा था उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर एट तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर एट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। आज हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर नाइन। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एक्सक्यूज मी। लिखा हुआ है नाइन्थ क्वेश्चन, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट इज डेप्थ is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank cost of rupees 70 per square meter for the base and rupees 45 per square meter for sides, what is the cost of least expensive tank? क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेते हैं हम से। मैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट कभी कभी मिथ सा बना रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि वर्ड प्रॉब्लम है तो पता नहीं क्यों घबराते हैं ऐसे ना, इसलिए मैं अच्छा सा टाइम दे रहा हूँ उसको। ध्यान से जरा प्लीज सुनेंगे आप, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास एक बोला गया कि एक टैंक आपको बनाना है। सारी बातें बोलता हूँ, क्वेश्चन को जरूर ढंग से रीड कर लें, एटलीस्ट क्वेश्चन हम समझ लें कि बोला क्या गया है। और वैसे तो यहाँ पर क्वेश्चन आप समझ गए, आंसर फिर अपने आप ही समझ जाओगे, लेकिन चलिए देखते हैं, मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। जबकि ध्यान रहना, क्वेश्चन एक आपको समझ में आना चाहिए डेफिनेटली कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आप ही को डिकोड करना होता है क्वेश्चन। इस तरह का स्टूडेंट एक टैंक है, ठीक है ना, और कुछ एक 3D टैंक है, यानी कि क्यूबॉइडल या क्यूबिकल शेप का एक टैंक है। क्यूबॉइडल हमें बेसिकली जनरल वे में कहना चाहिए, वो तो बात की बात है कि कैसा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या बोला गया आपसे क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला कि ये जो टैंक है, टैंक का वॉल्यूम क्वेश्चन ने फिक्स कर दिया है। यानी कि बोला जो आपका टैंक होगा इसका वॉल्यूम 8 meter cube। आप क्वेश्चन को ढंग से रीड कर ले, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ उसके अंदर ये बातें कही गई हैं कि वॉल्यूम फिक्स कर दिया कि हम एक ऐसा टैंक बनाना है जिसका वॉल्यूम 8 meter cube हो, ठीक है, हमने कहा ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि एक और बात प्रोवाइडेड है कि इस टैंक की जो हाइट है, बेसिकली डेप्थ वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया, तो आप समझ रहे हैं हाइट ही जैसी वर्ड चीज़ होगी, यानी कि जो इसकी हाइट है, डेप्थ जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है ना, ये जो हाइट है इसकी वो भी क्वेश्चन ने मेंशन कर दी है, इट इज़ 2 meter, है ना। अभी आगे की अब बात करते हैं। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा ना कि ऐसा टैंक बनाना है जो कि लिडलेस हो, है ना, ओपन फ्रॉम द टॉप, ऐसा वर्ड यूज़ किया गया। तो आप समझ सकते हैं इसको फील करने के लिए, ऐसा समझे कि जैसे एक रूम है ना, एक रूम जो कमरा होता है, जैसे उसके कितने फेज होते हैं, वेरी गुड, 6 phase होता है ना, किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड के कितने फेज होते हैं, 6 phase होते हैं। जैसे कि एक डाइस होता है जैसे लूडो खेलते हैं वाला, तो 6 phase होते हैं, एक ये वाली वॉल, एक ये वाली वॉल, एक ये वाली, एक ये वाली, मतलब एक सामने की, एक आमने की, है ना, एक राइट साइड वाली, एक लेफ्ट साइड वाली, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, फ्लोर होता है, एक रूफ होती है, ठीक है, और 4 हमारी साइड्स होती है, 4 दीवारी वाली जो होती है, हो गया इतना सा। वही है बस, इसमें आप ये समझिए कि ऐसे कमरे की बात की जा रही है, ऐसे टैंक की बात की जा रही है, इसका रूफ नहीं है, यानी कि ओपन फ्रॉम द टॉप है, बस हो गया। आगे बढ़ते, बोला कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, कहा क्वेश्चन ने कि जो ये है ना, ये बाकी ये रूफ, तो इसलिए मैं शेड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी रहे ना अपने को मन में, थोड़ा सा जरा क्लियर रहेगा। जो एरिया मैं शेड कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसका मतलब वो एरिया एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में है, और जिसको शेड नहीं कर रहा वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। यानी कि ये जो मैंने आपके लिए बनाया इस तरह से, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से ये वाला, और ये वाला, और यहाँ से ये वाला, ये ठीक है ना, तो ये आपको दिख रहा है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो ऊपर का हिस्सा ही मैंने नहीं बनाया, और ये है भी नहीं एग्जिस्टेंस में, ओपन फ्रॉम द टॉप, ओपन फ्रॉम द टॉप है, ठीक है ना, ठीक है। तो उस समय स्टूडेंट जो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, हमें कुछ फेज दिखेंगे भी नहीं आप, लेकिन आप समझ रहे हैं कि इसके कितने फेज एक्चुअली हमारे से डिस्कशन में है, 5 phase, 6th phase छोड़ दिया गया, ठीक है, टॉप से ये क्या है, ओपन है। अच्छा, अब कुछ डेटास दिए गए हैं, और फिर हमें बताना है कि लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक अगर आपको बनाना है तो आप कितना कॉस्ट देना पसंद करेंगे कम से कम, और ऐसा ही हम चाहेंगे तो मैक्सिमम तो होगा नहीं ना, वैसे लीस्ट के लिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ डेटा दिए गए कि आपकी जो बिल्डिंग है इस टैंक की बनाने के लिए, आपको अगर बिल्ड करना है इस टैंक को, तो आपको इसके लिए रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। जो बेस वाला इलाका आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला इलाका बेस का है, ये वाला इलाका बेस का है, मैं नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये बेस है ये जो दिख रहा है आपको। बेस के बारे में कहा गया कि जो बेस का कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर द बेस ऑफ द टैंक, कॉस्ट फॉर द बेस ऑफ द टैंक, फॉर द बेस लिख लेता हूँ मैं, आप समझ जाना, कॉस्ट फॉर द बेस ऑफ द टैंक इज 70 rupees per meter square, ऐसा टाइप का है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ये हो गया। और एंड रुपीज 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइट्स, जो साइट्स है यानी कि कॉस्ट
फॉर दी साइट्स, साइट्स के लिए जो आपकी कॉस्ट स्टूडेंट्स इन्होंने दी है वो इट इज इक्वल टू 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक है ना, मैं वो बताना है, यानी कि जो ये बेस है ना, ये जो बेस, इसके पर यूनिट मीटर स्क्वायर के लिए आपको 70 रुपीज देने पड़ेंगे। तो अब ये डिपेंड करेगा कि ये बेस कितना मीटर स्क्वायर एरिया रखता है ना, ये जितना भी मीटर स्क्वायर एरिया रखेगा उसका हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, कि कितने रुपए इसमें लगेंगे हमारे इसमें। सिमिलरली जो ये साइट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली साइट्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, जो वॉल्स की ये वाले फेज हैं, इधर वधर वाले बॉटम को छोड़कर, उनमें जो आपका प्राइस है रुपीज 45 रुपीज लगेंगे एक मीटर स्क्वायर पर, लेकिन हमें पता नहीं कि कितना मीटर स्क्वायर आप बना रहे हैं, तो फिर वो डिपेंड करेगा कि कितना कॉस्ट लगेगा। तो हम अपने लिए देखिए, एक तो चीज़ हमें ये क्वेश्चन ने मेंशन की थी कि इट इज़ 2 मीटर डेप्थ ऑफ द टैंक, है ना, क्वेश्चन ने बोल लिखा कि इससे ज़्यादा मत करना, ना कम करना, ज़्यादा कम कुछ मत करना कहने का मतलब। अब ये मैंने थोड़ी देर के लिए सपोज कर लिया कि लीजिए एक्स मीटर है, ठीक है ना, अब बेसिकली मुझे इसे यहाँ पर नहीं, ये पूरा यहाँ तक का होगा ना, ये ऐसे करके, नहीं नहीं मैंने गलत करा, ये यहीं तक का होगा एक्स मीटर, थोड़ा सा फील भी करना फिगर को तो क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है ना, ये एक्स मीटर, और पूरी क्लियरिटी रहनी चाहिए कि ये 3D फिगर हम 2D में बना रहे हैं, इसलिए ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला एग्जैक्टली इसके बराबर है, वो वाला हिस्सा उसके पीछे का है, समझ गया, मुझे नहीं लगता बोलना चाहिए ज़्यादा, ये वाई डिस्टेंस है, वाई मीटर आपने सपोज कर लिया। तो तीन डायमेंशंस जो हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ विड्थ हाइट, वो हमने बोल दिया कि एक्स लेंथ है, वाई विड्थ है, और एक आपको मेंशन है। तो दो वेरिएबल्स हमने अज्यूम करे हुए हैं, यानी कि हमें अपने एक्स और वाई को इस तरह से अरेंज करना है कि हमें अपना ये वॉल्यूम भी मिल जाए जो होना चाहिए, यानी वॉल्यूम भी उतना हो जाए, और दूसरी बात हमारा जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट भी लीस्ट एक्सपेंसिव हमें एक टैंक मिल जाए, यानी कि हमें कम से कम खर्चे में टैंक हमारा बन जाए जो इन क्वालिटीज़ को फॉलो करता होगा कि उसका वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब भी हो जाए और वो 2 मीटर हाइट भी रखता हो। तो इस तरह से हमने अपने एक्स और वाई को सजेस्ट करना है और अपना लीस्ट प्राइस निकाल के दे देना है कि इतने में टैंक बन जाएगा कम से कम, करते हैं फिर। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट, यानी कि फंक्शन कौन है यहाँ पर, कॉस्ट है बेसिकली, फंक्शन मतलब किसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, तो किसको करना है स्टूडेंट्स, कॉस्ट को, जो ओवरऑल कॉस्ट आपकी टैंक बनाने में आ रही है उसको, वो आपका इस बार फंक्शन है और उसी को आपको उसी पर ऑपरेशन करना है, यानी उसी को मिनिमम करना है। तो हम टोटल कॉस्ट निकाल देंगे, टोटल कॉस्ट फॉर द टैंक, टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग द टैंक, ऐसा लिख देना, मैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक लिख देता हूँ सिंपली, ये हो गया। ये क्या है, ये दो कॉस्ट से मिलकर बना है, एक तो बॉटम का खर्चा अलग है ना, क्योंकि है ना, तो बॉटम से जो आपका कॉस्ट बन रहा है, यानी कि जो सी आपका बन रहा है ड्यू टू बॉटम, बॉटम वाले हिस्से से, और दूसरा बन रहा है सी ड्यू टू साइड, कॉस्ट ड्यू टू साइड, इन दोनों का समय आपका ये सी ऑफ टी, क्लियर हो रहा होगा, ऐसे ही आप कुछ भी नाम दे देना। अब हमारे पास चीज़ आ गई कि आप अगर सी ऑफ बी को, यानी कि कॉस्ट ऑफ बॉटम निकाल सकते हो, यानी कि कॉस्ट ऑफ फ्लोर ऑफ द टैंक निकाल सकते हो, और ऐसे ही आपको साइड्स का कितना कॉस्ट लगेगा वो निकाल सकते हो, दोनों को एड अप कर लोगे तो आपका एक कॉस्ट फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा, और फिर उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम बनाना है, जो कि बहुत ईजी है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, सिंपल है ना, प्लानिंग क्लियर है। आप मैंने दोबारा प्लीज़ एक बार कह देता हूँ, सुन लेना, वो ये कि मैं कह रहा हूँ कि हमें कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमम करना है, उसके लिए हमें पता चला कि कॉस्ट तो इनके इक्वल होता है, तो हम बॉटम का कॉस्ट निकालेंगे कितना आ रहा है यहाँ रखेंगे, साइड से कितना कॉस्ट निकल के आ रहा है वो यहाँ रखेंगे, दोनों को एड अप कर देंगे, एड अप करने से हमें टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक का फंक्शन मिलेगा एक्स वाई पर डिपेंडेंट, है ना, फिर उसको मिनिमम करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का। चलिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बी एंड सी एस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग फॉर सी बी, ठीक है ना, ये क्या है, कॉस्ट ड्यू टू द बेस ऑफ दिस टैंक, ठीक है ना, फ्लोर ऑफ दिस टैंक, सिंपल है, आप देखें कि ए बेस का है, बेस ही है, यूनिट मीटर स्क्वायर में 70 रुपये लगते हैं, 70 रुपीज, तो आप देखो कितना मीटर स्क्वायर एरिया बन रहा है, आप देखोगे आराम से बेस आपका दिख रहा है, अब आराम से ना अपने लिए अपने अपने कन्वीनियंस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आराम से दिखा दिया ऐसे, आप एग्जाम में भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, टीचर को भी जरा कॉपी चेक करने में आसानी रहे, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, टीचर के बारे में भी सोचना है, ठीक है ना, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये एक्स मीटर हो गया, ये वाई मीटर हो गया, ये फ्लोर हो गया, तो आप समझ रहे होंगे कि इसका एरिया कितना हो गया, एक्स वाई मीटर स्क्वायर टाइप का हो गया,
है ना, तो हमें पता चल गया कि इसका एरिया इतना हो गया। तो यूनिट मीटर स्क्वायर के लिए जब 70 रुपये लगते हैं, यानी एक मीटर स्क्वायर में जब 70 रुपये लगते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने रुपीज लेंगे? एब्सोल्यूटली 70 टाइम्स xy रुपीज। क्लियर है? बस ये हो गया, सिंपल निकल गया ना। और एक छोटी सी बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पर, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि देखो 70 जब आएगा तो कैसे आएगा अपने साथ, रुपीज पर मीटर स्क्वायर को लेकर, और ये एक्स वाई की यूनिट क्या है आपकी, मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे ही कह रहा हूँ एक बात कि 70 रुपीज तब मैंने लिखा 70 into xy, ठीक है ऐसे ही। चलिए आपको पता चल गया कि यूनिट मीटर स्क्वायर में जब उतना हमारा खर्च होता था तो इतने मीटर स्क्वायर यानी एक्स वाई मीटर स्क्वायर में कितना होगा, एक्स वाई टाइम्स द कॉस्ट फॉर अ यूनिट मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये बहुत सिंपल मैथ्स है, ये फोर्थ क्लास में पढ़ते थे ना, 1 mango 5 का आता तो 4 कितने के, वही था। अभी फॉर सी ऑफ एस साइट्स के लिए हम देखते हैं कि साइट्स में कितना हमारा एक्सपेंड वो कर रहा है, एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, साइड में यानी कितना कॉस्ट हमें लग रहा है। तो सबसे पहले साइड का आप क्या नाप लीजिए, पहले देखते हैं साइड को ढंग से, क्या ये सभी साइड आइडेंटिकल है, सोचिए जरा, क्या चारों साइड आइडेंटिकल है, कितनी साइड बची हैं, 6 होती है ना, 6 फेस, 6 में से एक को कंसिडर करना नहीं है, बॉटम को कंसिडर हम कर चुके हैं, बचे 4, क्या 4 के 4 फेस आइडेंटिकल है, वो तो तब होंगे जब वो क्यूब होगा, और ऐसा कुछ मेंशन है नहीं है, एक्स वाई के बारे में हम जानते नहीं है कि वो क्या है, तो वो बदलाव भी हो सकता है उनमें, ध्यान से देखिएगा। एक तो ये फेज होगा, आप जिस भी रूम में है ना आराम से देखिए, जैसे मेरी लेफ्ट साइड में एक वॉल है और राइट साइड में वॉल है, ये तो पक्का आइडेंटिकल होंगे, इनमें दो राय तो नहीं है ना, दो राय तो नहीं है इसमें, अगर इस लेफ्ट वाली का जितना एज होगा राइट वाली का पक्का उतना ही होगा ना। हाँ वो बात अलग है कि इसका इसका उसके साथ बदलाव हो सकता है, मेरे वहाँ वॉल समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो इसीलिए ये अगर एरिया निकालूंगा तो उतना ही एरिया एब्सोल्यूटली इसका भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बार पहले निकाल लेते हैं इसका, ये कितना दिख रहा है आपको, वेरी गुड, वाई। तो क्योंकि ना इसका एरिया एक ही जैसा है, थोड़ी यहाँ जगह कम है, तो मैं इसमें कर रहा हूँ काम। देखिए ये वाई है ना वाई, और ये इसका ये लेंथ कितना होगा, 2, तो 2 into y इसका एरिया हो गया, तो डेफिनेटली इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 2 into y, ये 2 into y मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और समझ रहे हो आप इसका भी 2 into y मीटर स्क्वायर ही हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब कौन सी वॉल्स बची, यस एक आगे वाली, फ्रंट वाली, और एक रियर साइड में, बैक साइड में। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो फ्रंट वाली वॉल होगी इसकी डायमेंशंस किस किस डायमेंशन से बना, एक इस वाली डायमेंशन से और एक 2 वाली डायमेंशन से, यानी 2 वाली डायमेंशन से और एक एक्स वाली डायमेंशन से बना है। तो इसका मतलब जो ये फ्रंट की आपको वॉल दिखाई दे रही है, अब मैं वहाँ करूँगा तो वो अजीब सा हो जाएगा, इसलिए मैं उस फ्रंट दिखा देता हूँ आपको ऐसे करके। फ्रंट वॉल जो ऐसी टाइप की बनी है, इसका एरिया कितना है, 2 times x मीटर स्क्वायर। कौन सी वॉल है, जो ये वाली है, इसका इतना है। तो एग्जैक्टली जो उसके बैक साइड में जो वॉल है उसका एरिया भी इतना ही होगा ना, तो इसका मतलब जो बैक साइड वाली वॉल है, जो आपको पीछे वाली वॉल है दिखा नहीं पाऊंगा मैं, अगर देख पा रहे हो तो दिख रहा होगा, तो उसका एरिया भी इतना ही होगा, 2x मीटर स्क्वायर जो बैक साइड की वॉल है। तो जो 4 वॉल्स हैं उसमें से ये 2 आइडेंटिकल होंगी, आमने सामने वाली और आगे पीछे वाली आइडेंटिकल होगी। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट हमें दिखा कि जो साइड्स हैं वो 4 साइड्स बची हुई थी जिनमें से 2 आइडेंटिकल्स हैं, यानी कि एक का एरिया अगर 2y है तो दूसरे का भी 2y है, तो इस हिसाब से इन दोनों का एरिया कितना हो गया, वेरी गुड, 4y। इसी तरह जो ये फ्रंट साइड वाली और एक बैक साइड वाली वॉल है, वो ये वाली फ्रंट वाली 2x और बैक वाली भी 2x एरिया देती है, तो 2x कितना दे रही है, टोटल मिला के कंबाइनली 4x मीटर स्क्वायर का एरिया वो दोनों मिलकर दे रही है। तो ओवरऑल जो साइड से निकल कर एरिया आया, विच इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4 times x + y, इज इट, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है, बस यही होगा, ठीक है, छोटी सी कहानी थी, अभी समझ गए, अरे ठीक है, चलिए ठीक है, आप समझ गए स्टूडेंट्स बात को, ठीक है, मैंने डस्टर, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 4 times x + y। तो हमने देख लिया कि ये आ गया क्या, ये अभी ये कॉस्ट नहीं निकला, ध्यान रखें, अभी तो हमने स्टूडेंट सिर्फ एरिया निकाला, अभी ये सिर्फ क्या निकल रहा है, एरिया, क्योंकि अभी आप इसको ऐसे में समझिए, अभी तो एरिया निकाला। अब अगर आप मुझे बताइए कि साइड्स के यूनिट मीटर स्क्वायर में अगर 45 रुपीज़ खर्च होते हैं तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने रुपीज़ आपके लगेंगे, यस 45 टाइम्स इतना मीटर, अब ये करेक्ट हुआ, तो इसका मतलब ये चीज़ आप इसको, इस चीज़ को जो मैंने ये लिखी हुई है ना, इसको आप CS मत कहना, इसे आप एरिया कह सकते हो, एरिया ऑफ साइड्स। फिर इसके बाद जो ये चीज़ निकली है इसे आप कह सकते हो सी ऑफ एस, क्योंकि एरिया का जब यूनिट मीटर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई हुआ तो CS आया, ठीक है, ये हो गया CS और ये हो गया CP, बस हो गया। हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि जो टोटल कॉस्ट होगा विच इज इक्वल टू CT,
दिस शुड बी द समेशन ऑफ सी बी एंड सी एस. तो इन दोनों को आप ऐड कर लो आराम से, क्या दिक्कत है. 70 टाइम्स एक्स वाई प्लस 4 टाइम्स, ओहो 4 नहीं, 4 इंटू 45, 4 फाइव ज़ा 20, 4 फोर ज़ा 16, और 16 और 20 कितना, 18 हो गया ना, 180 हो रहा है क्या, 4 फाइव ज़ा 20, 4 हाँ 180 हो रहा है. तो ये x प्लस वाई हो गया, इतना हो गया बस, क्लियर है इतना. अब देख लो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो, हाँ आ ही रहा है, 5 तो कॉमन एटलीस्ट आ ही रहा है ना, सब कुछ कहानी सही है. हाँ बिल्कुल सही है, 70 और इसमें एटलीस्ट कॉमन 5 ले लेता हूँ, फिर बाकी देख लेंगे अगर और कुछ आ रहा होगा. 14 बचेगा टाइम्स एक्स वाई प्लस 5 थ्री ज़ा 15, 36 हो गया, 36 टाइम. हाँ तो वैसे ये तो 2 और कॉमन आ रहा है देखा जाए तो, यहाँ से ना 2 भी कॉमन आ रहा है अगर आप लाएंगे तो. देखिए 2 कॉमन आएगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 18 बचेगा, और वो 2 इसको क्या कर लेगा 10, और इस यहाँ से गया 7. आप एक लाइन यूज़ कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने हिसाब से करो, बहुत नॉर्मल है. 10 7 जा 70 हो जाएगा, 10 180 का कितना हो जाएगा, इतना जाएगा. अरे सीधे दिख रहा था और 10 लेना था, चलो कोई बात नहीं. ठीक है, समझ में आ गई, प्लानिंग क्लियर है. ये सीटी निकाल देंगे तो हमारा फंक्शन निकल जाएगा किसका, वो कॉस्ट फंक्शन निकल जाएगा. ठीक, ओहो मैंने ना एक डेटा यहाँ से इरेज कर दिया, लेकिन बुक में तो ही हमारे पास, आप समझ भी गए होंगे. वॉल्यूम के लिए बोला गया था कि वॉल्यूम मस्ट बी 8 मीटर क्यूब ना. हाँ ठीक है, फिलहाल इस सीटी को कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इजी कर लेते हैं थोड़ा, और वैसे इजी हो ही चुका है. ठीक है ना, लिख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर 10 टाइम्स 7xy प्लस 18 टाइम्स x प्लस y, दिस इज अवर कॉस्ट फंक्शन फॉर मेकिंग दिस टेंक. ठीक है ना, ये अभी इसमें कुछ लीस्ट मैक्सिमम कुछ नहीं लगा, अभी तो ये सिर्फ एक नॉर्मल कॉस्ट है, आपके एक्स वाई पर डिपेंड करेगा. अब शुरू करते हैं अपनी कहानी. ठीक है, कंडीशन दी गई थी कि वॉल्यूम के साथ कंडीशन दी गई थी कि इसको आपने नहीं बदलना, ये फिक्स दिया गया था कि 8 मीटर क्यूब दिया गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि इतना ही रहना चाहिए तो रहना चाहिए. आप मुझे बताइए वॉल्यूम होगा क्या इस सिस्टम का, जो कि क्यूबॉइडल सिस्टम फिलहाल है जनरल वे में. 2 इसका हाइट हो गया, x इसका लेंथ है, y इसका विड्थ है, तो x इंटू वाई इंटू 2, यानी कि 2xy इसका एक तरह से वॉल्यूम हो गया. ठीक है, और वैसे ना इस बात को कि अभी हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा करते हैं तो साइड पे रखते हैं, क्योंकि अभी ना पता नहीं चल रहा कि इसको हम क्यों सोचने लगे. सही है, उसे सोच सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करवाता, मैं अभी जो करवाता हूँ आप ध्यान से देखना. देखिए हमारी प्लानिंग क्लियर है कि हमारा ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, यानी कि इसी पर हमें वर्क करना है और इसी को हमें मिनिमम यानी लीस्ट बनाना है, क्योंकि ये कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट मिनिमम करना था. तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप जब इस पर फोकस करेंगे तो हमारी प्लानिंग कहती है, अब मैंने सिर्फ सी टी नहीं कह रहा, सिर्फ सी कह रहा हूँ, ठीक है ना, कोई क्योंकि सी सी कुछ और है नहीं, तो सिंपल सी. तो मैं समझ गया कि मुझे सी को कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर जीरो करना है फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस सी. ठीक है, अब वो किसके रिस्पेक्ट में करूँगा ये डिपेंड करेगा कि सी किसका फंक्शन है, और देखने से दिखाई दे रहा है कि सी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ. तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट हमें सी को किसी एक का फंक्शन बनाना है, ये कोई पहली बार की बात नहीं हो रही, हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ही कराता हूँ आपको. यहाँ मैं एक्स भी लिख सकता हूँ वाई भी, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ एक्स लिख रहा हूँ तो सी कंप्लीटली एक्स का फंक्शन होना चाहिए, यानी यहाँ सब जगह एक्स दिखना चाहिए. तो इसके लिए हमें अब इसे किसी एक ही का फंक्शन बनाना होगा. जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसे कम्प्लीटली एक्स का फंक्शन बनाऊँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस वाई को रिप्लेस करना होगा यहाँ से. अब जब भी हम ऐसा क्वेश्चन अराइज करते हैं कि y को आपने हटाना है तो आप क्या करेंगे, तो हमें तुरंत समझ में आता है कि इसके लिए हमें एक्स वाई की इक्वेशन की ज़रूरत होती है. हर क्वेश्चन में यही होता है, फिर हम ढूंढते हैं कि कुछ दिया है डेटा, तब याद आती है, हाँ दिया है डेटा कि x और y का एक रिलेशन अच्छा सा बन रहा है, और वो कितना आ गया 4, और यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है मीटर क्यूब जैसा, क्योंकि दोनों तरफ मीटर क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी तो मीटर क्यूब ही होगा ना. ठीक है, तो मीटर क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस हिसाब से कट जाएंगे ना. ठीक है, समझ में आ गई बात. तो स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा था, ये नई बात नहीं है, ये हर बार होता है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ. ठीक है ना, कि कहीं आप इनमें ना उलझ जाएं. एक तो 3D शेप है, थोड़ा सा इतना टिपिकल नहीं है, फिर भी मैं ये कहना चाह रहा था कि हमेशा मैक्सिमम मिनिमम में ऐसा ही होता है कि किसी एक चीज़ को आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, जैसे इस बार इसको, और दूसरी चीज़ आपको हमेशा एक इक्वेशन हेल्प करने के लिए मिली रहती है ताकि वो दूसरे वेरिएबल को वहाँ से एलिमिनेट करवाए, जैसे इस बार ये इक्वेशन मिली है. आप इसको कह सकते हो कि सी इज इक्वल टू हो गया कितना स्टूडेंट्स, सी इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिए, सी इज इक्वल टू 10 टाइम्स 7xy, नहीं नहीं xy में से हम y को हटाना चाह रहे हैं, तो 7 लिखा और
अब ऐसा क्या करना कि वाई को हटाना, सीधे दिख रहा है कि एक्स वाई फोर है, सीधे फोर ही बोलते थे, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 18x x है, वाई को हटवा लो क्योंकि ताकि टोटली है उसका, तो वाई कैन बी रिटन इज 4 अपॉन x, ये हो गया। तो स्टूडेंट c इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 ओवर 7 फोर जर 28 प्लस 18 टाइम्स x प्लस 4 बाई एक्स, इतना हो गया, है ना। अब प्लानिंग कहती है कि आपको अब ये करना चाहिए फॉर मैक्सिमम मिनिमम, आप जो भी चाहते हो आप, लेकिन हम ठीक है लिख देना फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कॉस्ट, ठीक है ना। ठीक है, तो हम जब ये करेंगे तो डेरिवेटिव लेना सबसे पहले, तो डेरिवेटिव मैं लेता हूँ डी सी विद रिस्पेक्ट टू क्या करूँगा, येस क्योंकि ये एक्स का फंक्शन हो गया, तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। देखिए 10 तो कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, 28 का डेरिवेटिव येस कॉन्स्टेंट जीरो होता है, 18 तो 18 रहेगा, x का डेरिवेटिव इज व्हाट 1 एंड 4 कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, दैट इज दिस माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इजंट इट, हो गया सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, और आप लिख लेना कि फॉर मैक्सिमम मिनिमा दिस शुड बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हम जानते हैं बहुत बेसिक है, तो जब ये चीज़ 0 के इक्वल हो जाएगी तो आप जानते हैं कि रिजल्ट क्या बचेगा। आराम से समझिए, जब आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे ना यहाँ पर इस चीज़ को, तो आप सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, बचा क्या 18 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 0, यानी 18 टाइम्स 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एक हिसाब से दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी एक्स इज इक्वल टू येस येस प्लस माइनस 2, वेरी गुड। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स जो हमने सपोज किया वो एक साइड है, लेंथ है, और लेंथ नेगेटिव सेंस नहीं रखती, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर will be more appropriate, x is equal to only 2 meter, minus का existence नहीं है, clear है बात, ठीक है। तो हमारा x कितना निकल गया 2, और वहाँ से हम आसानी से y निकाल सकते हैं corresponding, तो 4 upon x होता है, और 4 upon x once again 2 ही होगा, यानी कि, और ये देखने लायक बात है कि x और y की वैल्यू इन कंडीशंस को ध्यान में रखकर, किन कंडीशंस को, कि वॉल्यूम को भी 8 करवाना है, आपकी हाइट 2 ही रहनी है, और उस समय जो क्रिटिकल सिचुएशन मिली तो वो मिली है क्यूब की, क्योंकि x भी 2 आया, y भी 2, और हाइट तो 2 थी ही, है ना। लेकिन अभी हम इतना श्योर नहीं है कि जो कंडीशन हमने लगाई है और जो डायमेंशंस मिली है, ये डायमेंशन ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम के लिए ही मिली हो लीस्ट के लिए, क्या आप कह सकते हैं फॉर्मली, नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते ना, हाँ, यानी कि अभी ये मैक्सिमा भी हो सकता है इस डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग, या मिनिमा भी हो सकता है ये कॉस्ट। लेकिन एक छोटा सा है क्या यहाँ पर, मैं बताता हूँ आपको कि जब भी आपको क्वेश्चन मेंशन रहेगा ना कि इसकी लीस्ट, तो उसका मतलब जो निकली हैं चीज़ें वो लीस्ट ही के लिए निकली हैं, क्या समझे आप मेरी बात। आपको यहाँ अलग से चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन में नहीं आना कि अब ये कहीं मैक्सिमम के लिए तो नहीं होगा, नहीं होगा मैक्सिमम के लिए, ये अभी मिनिमम की बात हुई है तो मिनिमम के लिए होगा क्वेश्चन में मैक्सिमम की बात हुई है तो मैक्सिमम के लिए ही होता है। लेकिन अगर आप सच्चाई पता करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक अ डबल डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। तो अगर हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा और क्या, यानी कि आप क्या करोगे, ये जो आई है चीज़ इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लोगे, है ना, ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। चलिए ठीक है, x2 y2 निकला ना, मैं नोट कर लेता हूँ कि x एंड y कितने निकल गया हमारे 2 2, बढ़िया हो गया काम, और हमें छोटा सा काम करना है, लेकिन मैं हल्की सी चीज़ बता देता हूँ। देखिए आप चाहें तो, अगर लग रहा है कभी कि सिंपल है डबल डेरिवेटिव लिया जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो ले लो, यानी कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि अभी सिंपल है ले सकते हैं, डबल डेरिवेटिव लो कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू उस क्रिटिकल पॉइंट पर, यानी 2 पर लेते हैं, 10 तो 10 ही रहेगा, 0 का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, तो 18 तो चलिए 18 बाहर आ गया तो समझ लेना 180 हो गया, है ना, 18 इंटू माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ध्यान से माइनस तो माइनस है, 4 माइनस 4 बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यस एब्सोल्यूटली माइनस का 2 बाई एक्स क्यूब, क्लियर है, आराम से कर लो बैठ के। जब आप देखोगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ओवरऑल आंसर आ रहा है 180 इंटू 8 अपॉन एक्स क्यूब, आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आप x को जब 8 रखोगे 2 रखोगे यहाँ पर, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा 8, यानी कि 180 आ गया। मैटर नहीं करता वैल्यू क्या आई, मैटर करता है इस वैल्यू का साइन क्या, विच इज़ पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है ये मैटर करता है सिर्फ। अब मैंने बिल्कुल रीज़न के साथ बता रखा है कि जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है दैट मीन्स कि आपकी जिसकी बात चल रही है फंक्शन की वो वहाँ पर अपना मिनिमा दे चुका है, तभी ये पॉजिटिव हो रहा है, ये होता है। अभी इजी था इसलिए कर लिया, लेकिन ये करा नहीं जाता और आपके कोई नंबर का इशू नहीं आता इसमें, यानी कि देखो पॉजिटिव आ गया ना तो इसने क्या शो कर दिया कि जो आप काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली मिनिमा के लिए हो रहा है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी स्टूडेंट
कुछ ऐसे होते हैं वो सोच रहे होंगे कि अरे पॉजिटिव था इन्होंने गलती से मिनिमा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, रीजन बताया पॉजिटिव में मिनिमा ही आता है, ठीक है तो मिनिमा हुआ। अभी ना डेरिवेटिव लेना आसान था, कभी कभी ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो लेना जरूरी नहीं होता उसमें, उसमें आप जज कर लिया करो कि क्वेश्चन ने जब लीस्ट के लिए बात की है तो लीस्ट की कंडीशन क्या होनी चाहिए, डबल डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू उस क्रिटिकल पॉइंट पर क्या आना चाहिए, पक्का पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि मिनिमा चाहिए तो मिनिमा पॉजिटिव आप बोल देना, झूठ झूठ भी बोल सकते हो आप, जब कभी लेंदी रहता है कभी, फिर आपको दो लाइन लिखनी पड़ेगी, अब वो दो लाइन लिखते से अच्छा अभी दिखा दिया हमने, अभी तो ईजी था, कभी कभी ना कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है डिफरेंशिएशन, फिर मत क्या करो उसे, फिर अब लिख दिया करो कि वी हैव चेक द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एट दिस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू टू एंड इट बिकम्स पॉजिटिव विच शोज दैट दिस फंक्शन इज मिनिमा, दिस फंक्शन गिव्स अस अ मिनिमा एट दिस पॉइंट, है ना, यानी कि मिनिमा दे रहा है, लेकिन आपको उसमें लिखना पड़ेगा, क्लियर है, मैंने आपको बता दी बात, ठीक है ठीक है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ ये था कि आपको कॉस्ट बताना है, आपको ये नहीं बताना कि आप ये लेबर वाला काम हमारा नहीं है कि एक्स मीटर वाई मीटर कितने डायमेंशन रखने, हमने बता के रख दिया, हमें सिर्फ कॉस्ट बताना है कि वो कॉस्ट कितना होगा जितने में हमें कम से कम मिलेगा, हमें पता है कि कॉस्ट फंक्शन ऊपर पे तैयार है, कॉस्ट फंक्शन तैयार है, हमें पता चल गया कि ये चीज़ मिनिमम होती है एक्स इन वाई इज दिस, ठीक है ना, जब एक्स वाई की वैल्यू वो होगी तो कॉस्ट फंक्शन को हम जब देखेंगे ऊपर ध्यान से 10 7 टाइम्स एक्स वाई, एक्स वाई कितना है 2 2 4, वहां से भी समझ सकते हो या वहां से भी समझ सकते हो, 18 टाइम्स एक्स प्लस वाई 2 + 2 4 हो गया, आप वहाँ भी रख सकते हो वैल्यू या फिर डायरेक्ट यहाँ भी रख सकते हो, ये भी सी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एक ही चीज़ है दोनों, यहाँ भी रख सकते हो, 10 हो गया 7 4 = 28 हो गया, 18 4 = 72, ये कितना हो गया 70 से 90 100 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट, 1000 रुपीज़ क्योंकि कॉस्ट निकल रहा था, तो दिस इज द लीस्ट कॉस्ट फॉर मेकिंग द टॉपलेस, फॉर मेकिंग द टॉपलेस, क्या नाम है इसका, क्या था ये बॉक्स, ठीक है ना, ठीक है टैंक बोला था इसके लिए, ठीक टॉपलेस टैंक, इसके लिए जो लीस्ट आपका जो खर्च होने वाला है अमाउंट, तो वो 1000 रुपीज़ लगेगा, इससे कम बिल्कुल नहीं कर सकते आप, बार्गेनिंग नहीं होगी, ठीक है ना, चलिए करा दूँ आगे बढ़ लूँ, ठीक है देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हल्का सा देख लेते हैं, अरे स्टूडेंट आपने नोट कर लिया था ना आराम से, ठीक है थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो, फिगर अच्छे अच्छे बनाने की भी कोशिश किया करो, ये भूलने वाली बात नहीं होती, एग्जाम में ना, एग्जाम में नहीं बनेंगे एकदम से अच्छे, पहले से रफ कॉपी में बहुत अच्छे से बनाया करो, आपकी पहचान रफ कॉपी से ही होती है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल, स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज के, ये क्वेश्चन ने मेंशन किया, 10th क्वेश्चन नंबर है, वेर के इज अ सम कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट है, चलिए हमने मान लिया, प्रूव दैट द सम ऑफ दियर एरियाज इज लीस्ट, प्रूव दैट द सम ऑफ दियर एरियाज, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ अ, सॉरी एरिया ऑफ अ सर्कल इज लीस्ट, या हमें प्रूव करना है कि ये लीस्ट होगा, लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, कब होगा, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, अगर स्क्वायर की साइड, जैसे स्क्वायर इस तरह का दिखता होगा ना, इस तरह का स्क्वायर की साइड अगर मैंने ए सपोज कर ली, और जो सर्कल होगा जिसकी बात चल रही है उसके, उसका पेरी, उसका जो करेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, पक्का रेडियस होगी, इसकी करेक्टरिस्टिक इसकी साइड है, बोल रहा है कि ये लीस्ट, ऐसा प्रूव करो कि ये लीस्ट तब होगा, ये क्वेश्चन आया भी है पीछे एक बार है, ऐसा क्वेश्चन, ये लीस्ट तब होगा जिसमें वो वायर को आप करते थे 28 मीटर का, ऐसे कुछ था क्वेश्चन, याद होगा उसी तरह का लग रहा है, ठीक है ना, कि व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 times द रेडियस ऑफ द सर्कल, इज डबल द रेडियस, ठीक है इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आराम से, ठीक है ना, जरा देख ले, नोट करें, सोचे आराम से आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है समझ में आ रहा है, ओहो देखिए, अच्छा दिख रहा है ना आपको, ठीक है ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अभी मैं क्या कह रहा था कि हमें ना क्या, प्लीज ध्यान से समझिए इस बात को, ये एक गिवन कंडीशन है, ये कंडीशन वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है ना, इसे प्रूव करना है और वो गिवन है, और कहानी समझ जाए हो क्या रहा होगा, बताऊँ क्या हो रहा होगा कि ना, आप इसे लीस्ट करवाओ बस, और जब आप इसे लीस्ट करवा दोगे ना तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली ए और आर के बीच में रिलेशन यही आ रहा है, चिंता की बात ही नहीं है, आ जाएगा अपने आप आएगा, ठीक है
चलो बात को और सिंपल कर लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन चीज है उसे थोड़ा फॉर्म में कर लेते हैं। मुझे बताइए स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? ये जो जिसने उसको पेरीमीटर मतलब परिमाप, हिंदी में परिमाप बोलते थे, परी मतलब चारों ओर, माप मतलब मेजरमेंट, तो चारों ओर का जो मेजरमेंट है ये पेरीमीटर, ये आपका कितना हो गया ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो कितने ए, फोर ए, तो पेरीमीटर कितना होता है हम जानते हैं, फोर ए हो गया, वैसे भी जानते हो। और जो सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर, ये सर्कल की जो ये लाइनिंग है, अरे हम जानते हैं टू पाई आर होती है, ठीक है ना, तो टू पाई आर हो गया, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अभी स्टूडेंट आराम से देखो, ये चीज़ हमें दे रखी है, ये मेंशन है, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अभी हमें जो ऑब्जेक्टिव हमारा फंक्शन है वो ये है ए एस प्लस ए सी। ए एस को अगर मैं निकालूँ, जरा ध्यान से समझना, इस पर काम करूँ, ठीक है, डायरेक्टली ए एस मतलब एरिया ऑफ द स्फीयर, नहीं एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा हम जानते हैं, साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और प्लस कर ए सी, ए सी यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल, वी नो दैट इट इज पाई आर स्क्वायर, जानते हैं ना, ये छोटी छोटी बात, ये इसको क्या करना है, लीस्ट करना है, लीस्ट करना है यानी कि ना आप इस पूरे को कुछ नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं इस पूरे को कुछ नाम दे देता हूँ, क्योंकि एरिया का फंक्शन, लीजिए एरिया नाम, ए नाम दे दिया। ये जो ए नाम की चीज़ है, कैपिटल ए नाम की चीज़ है, ये कैपिटल ए नाम की चीज़ को आपको लीस्ट करवाना है, बस लीस्ट करवा के आप खुद ही देखोगे कि लीस्ट तभी हो पा रहा है कुछ कंडीशन में, और वो कंडीशन जरूर यही होगी, उसकी चिंता मत करो आप। आप बस ये देखो कि इसने कहा कि लीस्ट होना चाहिए, आप करवा दो लीस्ट, बाकी काम आप छोड़ दो इस पर। और छोटी सी बात ध्यान रखने वाली कि कहीं आप ऐसा ना सोचो कि स्मॉल ए कॉन्स्टेंट है ना, आप देखो कि इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात हो रही है। अभी हम ए, अभी दिखने से ही दिख रहा है कि ए कॉन्स्टेंट कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि असली चीज़ें तो इन दोनों में ही छुपी है ना, ए और आर तो कभी कॉन्स्टेंट नहीं हो पाएंगे अभी के केस में, और अदरवाइज़ हम ए को कभी कभी कॉन्स्टेंट ले लेते हैं ना, अदरवाइज़ जब मैंशन नहीं होता तो, इसलिए कह रहा था। तो ए किसी भी हालत में कॉन्स्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, और सोच लो प्लीज़ इसमें। अभी स्टूडेंट्स प्लानिंग कहती है कि आपको जब एरिया को मिनिमम करना है तो डी ए अपॉन डी ऑफ समथिंग करना पड़ेगा। समथिंग के प्लेस में आप दो चीज़ें डाल सकते हो, क्योंकि आपका एरिया दो चीज़ों का फंक्शन है, एरिया हमारा स्मॉल ए का भी और स्मॉल आर का भी फंक्शन है। प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको, मैं एक्स वाई भी मान सकता था उन्हें, लेकिन नहीं माना, आप समझो ना बात को। हमें दिख रहा है कि एरिया इस ए का भी फंक्शन है और एरिया इस आर का भी फंक्शन है, तो हम यहाँ ए भी के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, आर के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो तो कुछ कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जब आप ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो आपका एरिया टोटली ए का फंक्शन हो जाना चाहिए, यानी एरिया में सिर्फ ए ही ए दिखाई दे, आर का नामो निशान ना हो। बाय चांस आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस समय आपको इस एरिया को आर का कंप्लीटली फंक्शन बनाना होगा, ऐसे कर। चॉइस इज योर्स, ठीक है ना, आप सोचें कि आप किसका क्या फंक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा एक गोल रह गया कि इस ए को देखो, इससे पहले भी हर बार होता है ना, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और एक उसमें से वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कंडीशन दी रहती है, वो ये, अच्छा वो ये नहीं है इस बार मेंशन नहीं है, इस बार ये है, ये तो प्रूफ टाइप का करना है ना, हमें जो मेंशन है, जो गिवन चीज़ है वो ये, इसकी हेल्प ले सकते हो फिर से, क्योंकि ए और आर के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन है, यानी कि किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट आसानी से करा सकते हो। आप अपने देखिए क्या कराना चाहते हैं, तो मैं किसी भी एक को करवा लेता हूँ जो भी अच्छा लगा। तो जैसे मैंने यहाँ से लिख लिया कि a इज इक्वल टू कितना हो गया, k माइनस टू पाई आर ओवर 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 फोर, बस a को करवा लिया, मुझे a को करवाने का मन किया। तो अभी फिलहाल पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो a मैंने लिखा, तो a को मैं हटवा रहा हूँ, देखो वहाँ क्या लिखा मैंने, कि आपकी चॉइस है, आप दूसरे को भी हटा सकते थे r को, यानी अब टोटली हमारा किसका फंक्शन हो गया स्टूडेंट, यस एब्सोल्युटली r का फंक्शन हो गया। अब ये चीज़ टोटली किसकी फंक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है, यस r का। सिंपल कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो और फिर इसका वो ले लेना डेरिवेटिव। मुझे क्या लगता है ना कि सिंपल क्यों करें हम, जो हमें डेरिवेटिव लेना ही है और डेरिवेटिव दिख रहा है कि आसानी से इसका आसानी से आ जा रहा है, क्या बोलते हो, सही है, ठीक है। तो डेरिवेटिव डी ए बाई डी आर अभी से कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने पर नहीं चाहते हैं, डेरिवेटिव से मतलब है, देखिए फोर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। अब ये अच्छा, एक और ध्यान से सोचने वाली बात है, फोर स्क्वायर के अंदर है, फोर स्क्वायर के अंदर है तो बाहर आकर 16 होगा। अभी k माइनस टू पाई आर का स्क्वायर है, सिंपल डेरिवेटिव आप जानते हैं, टू टाइम्स k माइनस टू पाई आर, ठीक है ना, डेरिवेटिव जानते हैं, उसके बाद 2-1 हो जाएगा, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग k का डेरिवेटिव तो 0 होगा, 2 पाई आर में 2 पाई का डेरिवेटिव माइनस
टू पाई आर में, क्योंकि हम आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ से माइनस टू पाई बाहर आएगा, कुल मिलाकर चेन रूल लग जाएगा इसमें ऐसे कर कर। देखिए अब अपना इस्तेमाल कीजिए नॉलेज जो आपने डेरिवेटिव में पढ़ा है, क्या सही है कि नहीं है। ठीक है क्लियर है। पाई आर स्क्वायर का हम करेंगे टू पाई आर, ठीक है ना स्टूडेंट। इसके लिए मैंने डेरिवेटिव बहुत डिटेल्स में बताई हुई है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। बाई चांस आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा होगा वैसे तो, डेरिवेटिव देखा होगा आपने। चलिए अभी क्या करना है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपकी चॉइस है, अदरवाइज हम लिख सकते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ दिस ए, है ना, लिख लेना आप फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी ए बाई डी आर शुड बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है, तो इसे कर दो जीरो की इक्वल। जब जीरो की इक्वल करोगे ना स्टूडेंट, तो देखो क्या ये चीज़ जीरो की इक्वल। चलो मैं लिख लेता हूँ आपके लिए इजीली, 1/16 एंड देखो ध्यान से, ये माइनस टू पाई मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर पाई हो रहा है ना, माइनस फोर पाई इंटू के आराम से, ठीक है, माइनस फोर पाई इंटू के, ये टू और टू पाई मल्टीप्लाई हो चुके तो माइनस फोर पाई के से हो गया, माइनस फोर पाई अब इससे होगा तो माइनस फोर पाई प्लस हो जाएगा और माइनस फोर पाई इंटू टू माइनस एट पाई स्क्वायर आर। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं इसे हल्का सा। देखो ये टू इंटू माइनस टू पाई, माइनस फोर पाई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस दूसरे वाले से माइनस टू पाई आर से, आराम से देख लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर टू जै एट, एट पाई स्क्वायर आर। क्लियर है, ठीक है, प्लस का यहाँ क्या बचा, प्लस का टू पाई आर एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो की इक्वल कर दो, अब सिंपलीफाई कर दो इसे, ठीक है ना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आर का फंक्शन बन चुका है। वन अपॉइंट उसको उधर भेज दो, चलो 1/16 टाइम्स माइनस फोर पाई के प्लस एट पाई स्क्वायर आर इज इक्वल टू टू पाई आर विद निगेटिव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हमने कुछ गलत तो नहीं किया, पर हल्का सा चेक कर लो हम थे कहाँ वैसे। अच्छा ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है ना, इसके आगे ये 16 चाहो तो आप वहाँ भेज दो तो 32 हो जाएगा, वो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 32 विद नेगेटिव लिख दिया मैंने, नेगेटिव आगे से, ठीक है ना। अभी स्टूडेंट्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस फोर पाई के प्लस, देखो एक बात तो दिख रही है सब में, पाई पाई सब में दिखाई दे रहा है, तो पाई को कॉमन लाकर मैं यहाँ से कॉमन लाऊंगा, यहाँ से कॉमन लाऊंगा और उस वाले पाई से कट कर दूंगा। क्लियर है, बस अब मेरे पास बचा माइनस का 4k प्लस 8 पाई आर एंड माइनस 32 आर, बचा कि नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि ना आप निकालोगे क्या यहाँ से, जा सकते क्या निकलेगा, आर निकलेगा ना, तो आर निकाल लो बस, और क्या। देखो इससे मैं आर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि इसको और इसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, यहाँ से आर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा मेरे हाथ में, आपने इसे नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लिया इसे पक्का, ठीक है, देख लीजिए इसे कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर R दिख रहा है आपको, कॉमन ले लेना है और क्या बचा, 8 पाई लिख दिया, चलिए ठीक है, माइनस 32 को इधर ले आए, प्लस 32 हो गया, क्लियर है, माइनस 4K को उधर ले जा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस का 4K हो जाएगा। अच्छा R निकालना था, R निकाल लेते हैं, 8 चाहो तो कॉमन ले लेना दोनों से, पाई हो जाएगा, ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था ऐसा कल से, 4 2 8 हो गया, ये तो और अच्छा लग रहा है, ये देखो कितना अच्छा आंसर आ गया। कोई अभी घबराने वाली बात नहीं है कि हमारा वो आर टू, क्योंकि आप समझ गए कि आर निकल गया, अगला काम क्या होगा, दूसरा वेरिएबल निकाल देंगे, दूसरा वेरिएबल कौन था, ओहो मेरी तो कंडीशन रह गई, चलो शुक्र है कंडीशन बची हुई है यहाँ, अब वैसे ये भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आर को वहाँ रख दो, ए निकल जाएगा, अब फिर ए और आर में हम कंपेरिजन देखेंगे क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा होगा। ठीक है, रख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मुझे ए निकालने के लिए क्या चाहिए, के चाहिए, ठीक है, माइनस का 2 पाई आर चाहिए, ऐसा करता हूँ ना, देखो इसको मैं ऐसा कह लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा, 2R, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो 2R की वैल्यू तो ये है पूरी, 2R की वैल्यू मिल गई, पाई वो है। अच्छा कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहा, 2R की वैल्यू तो मैंने पहले 2R की वैल्यू लिख लेता हूँ, चलो के अपॉन पाई प्लस 4, ये 2R की वैल्यू हो गई, लेकिन 2R के बगल में पाई भी है तो पाई भी लिख दिया, और इनके होल अपॉन में 4 है तो मैंने 4 भी लिख दिया। ठीक है, आप सिंपल कर दें इसे ज़रा, थोड़ा सा इसे ज़रा सिंपल करेंगे तो ये के इससे मल्टीप्लाई होगा तो के पाई, के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4K, यहाँ पर माइनस का के पाई है ना, और अपॉन में पाई प्लस 4 इजंट इट, और ये होल अपॉन में आपको दिख रहा होगा 1/4 इसका ये। ठीक है, के पाई कैंसिल,
और बचा आपके पास जो सिर्फ है वो 4k अपॉन ये 4k बचा, 4 ने 4 को इसको कैंसिल कर दिया, हेंस a इज इक्वल टू k अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, ये आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है ना, अब देख लीजिए अपने आंखों से कि ये जो आंसर है k अपॉन पाई प्लस 4 ये इसी के इक्वल आ रहा है, तो डेफिनेटली 2r इज इक्वल टू a आप आराम से कह सकते हो, मुश्किल नहीं है, आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 इनटू जो भी आप बोलो 2R is equal to A, comparison से, कोई मुश्किल नहीं है, बस एक आ गया था रास्ते में कर लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए जरा आराम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी इतना ही करते हैं, ठीक है ना, इतना ही अभी करते हैं, ये दो क्वेश्चन हमने देखे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और अदर न्यूज स्टूडेंट्स के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए। फिजिक्स के वीडियो लेक्चर जो होते हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं चैनल में, एटलीस्ट एक बार विजिट कर कर देखिए कि वहाँ क्या क्या 11th 12th के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की वीडियो वहाँ पर है, मोर देन 550 वीडियो लेक्चर्स डाले हैं मैंने अभी तक। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स इसको जरूर रिवाइज करना, आगे क्वेश्चन देख लेना, ट्राई करके हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो वो मैं कराऊंगा ही, क्योंकि मैं हर एक आखिरी बच्चे के लिए बना रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स। ठीक है ना, आपसे हो रहा है अच्छी बात है, और नहीं होंगे तो जरूर उनको आप देख सकते हैं, और इससे पहले कि हर एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें, आगे सिस्टम से बढ़ना, जंप मत करना, क्वेश्चन स्किप मत करना, एक सजेशन देना चाहूँगा बस। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।